ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की हैं, जहां पर पुलिस और नगर निगम की टीम शातिर बदमाश हर्षद उर्फ बंटी कल्याण का मकान तोड़ने पहुंची। दरअसल बंटी एक शातिर और छटा हुआ बदमाश है, जिस पर एक दो नहीं बल्कि 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस बदमाश पर 3 जिला बदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है और वो मौजूदा समय में रासुका के चलते जेल में बंद है। CSP विजय कुमार मीणा ने बताया कि जिस मकान को नगर निगम की टीम ने आज तोड़ा है, उसे आरोपी ने अपनी अवैध कमाई से बनाया था और आगे के एक मकान पर कब्जा भी कर लिया था। इस बीच पुलिस ने कब्जाए हुए मकान को उसके असली मालिक को भी सौंप दिया है। आखिरी में लगाते हैं सर, आज कार्रवाई तीसरी कार्रवाई को क्या कितने मामले दर्ज है, क्या कुछ ये कार्रवाई हर्षद उर्फ बंटी कल्याणी के खिलाफ की जा रही है। इनके खिलाफ कुल टोटल 18 मामले पंजीबद्ध है। पूर्व में ये 3 इनका जिला स्तर भी हो चुका है और प्रेजेंट में अभी ये इनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है, तो अभी ये भैरूगढ़ जेल के अंदर है प्रेजेंटली। तो सर ये मकान किसका था सर, ये क्या कब्जा करके बैठे थे? मकान इन्होंने आगे का जो मकान जो आप देख रहे हो, ये इन्होंने कब्जा सारा मकान इन्होंने कब्जा कर रखा था, तो आगे का इन्होंने कोर्ट कार्रवाई करके कब्जा छुड़वा लिया है। पर जो पीछे का मकान है वो अभी भी उसमें यही रह रहे हैं, तो उनके वो पीछे का मकान तोड़ा जा रहा है। तो सर अभी सिर्फ खाली वो जो कब्जा किया हुआ मकान वो तोड़। आपको बता दें कि इंदौर पुलिस से सीख लेते हुए इन दिनों उज्जैन पुलिस भी इसी तरह से बदमाशों के साम्राज्य को बर्बाद करती जा रही है, जिससे अपराधियों में कानून के प्रति डर और बढ़ जाए। पंजाब केसरी TV के लिए विशाल सिंह की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।